अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। कई बार लोग यही क्वेश्चन मुझसे कर देते हैं कि आप कितनी आसानी से ये बोल देते हैं कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लो, क्या ये पॉसिबल भी है? और अगर पॉसिबल है तो कैसे बढ़ें उस रास्ते पर कि हम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले पाएँ, और इसका हमारे वेट लॉस से क्या कनेक्शन है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए आज इसी पे डिस्कस करते हैं और इसी के बेस पे आपको एक टास्क देंगे जो आपको हेल्प करेगा अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में करने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। वेलकम बैक। अगर आपके पास एक फोर व्हीलर है तो उसमें एक रेडियो लगा होगा, और रेडियो में जो गाना बज रहा है वो रेडियो की पसंद का नहीं बज रहा है, वो आपके पसंद का बज रहा है। क्योंकि जब रेडियो में गाना आपकी पसंद का नहीं बजेगा तो आप क्या करेंगे? आप चैनल चेंज कर देंगे, और चैनल चेंज करने के लिए कहीं जाना भी नहीं है, आपको सिर्फ बटन घुमाना है और वो नए फ्रिक्वेंसी से सेट हो जाएगा और नए चैनल पे नया गाना बजने लगेगा। यानी कि जो रेडियो है वो सिर्फ एक ट्रांसमीटर का काम कर रहा है, असल में रेडियो का कंट्रोल आपके हाथ में है। जब आपका मन करेगा चैनल चेंज कर देंगे, जब आपका मन करेगा चैनल ऑफ कर देंगे, रेडियो बंद कर देंगे, गाना बंद हो जाएगा इस तरह से। लेकिन असल जिंदगी में आपने एक ऐसा चैनल लगा रखा है जिसका गाना आपको पसंद नहीं है, और आप पूरे टाइम रेडियो को गाली दे रहे हैं कि पता नहीं कैसा गाना बजा रहा है, बहुत ही बेकार गाना है, इतना पुराना है, इतना नया है, एक्सेट्रा। जबकि चैनल चेंज करने की कैपेसिटी आपके हाथों में है, लेकिन उसके बावजूद आप चेंज नहीं कर रहे, पूरे टाइम केवल चैनल को गाली दे रहे हैं। अब इसको समझने के लिए मैं रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारा शरीर जो एक ट्रांसमीटर का काम कर रहा है, कंट्रोल आपके हाथ में है, चैनल एक ऐसा लगा हुआ है जिसका गाना आपको पसंद नहीं आ रहा। गाना क्या है? ओबेसिटी, कोई डिसऑर्डर, कोई डिजीज, लेकिन आप चैनल चेंज नहीं कर रहे। अभी जो चैनल लगा हुआ है उस चैनल के हिसाब से आप सुबह उठ के पराठा खाते हो, चाय बन मक्खन खाते हो, रात का डिनर हफ्ते में 4 बार बाहर होता है, हफ्ते में 1 से 2 बार ड्रिंक होता है, सुबह शाम रात टाइम का कोई ठिकाना नहीं है, हफ्ते में 1 बार के नाम पर आप छोला भटूरा खाते हो, हफ्ते में 1 बार के नाम पे आप पिज़्ज़ा खाते हो, पास्ता खाते हो, एक्सेट्रा। और इस चैनल पे जो गाना निकल के आ रहा है आपके हेल्थ को लेके, वो आपको पसंद नहीं है, तभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तभी आप कोशिश कर रहे हो, तभी आप मेरा चैनल सुन रहे हो कि किस तरह से हमारा वेट लॉस हो जाए, हेल्थ बेटर हो जाए। हम अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनका हेल्थ खुद ही ख़राब है और जिनको हेल्थ के बारे में कोई नॉलेज है नहीं, बस उनके पास इसलिए जाते हैं कि मुफ्त की कुछ सलाह मिल जाए, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ अपने आप को बेटर कर लिया है। आप यूनिक हैं, जो उनके साथ काम हुआ या उनका काम आया वो शायद आपके काम ना आए, जो दवाई उनको काम करी हो सकता है आपके काम नहीं आएगी। दोस्तों, चैनल चेंज करने का टाइम आ गया है। जब तक आप चैनल चेंज नहीं करेंगे तब तक आपके हेल्थ में आपका जो गाना आप सुन रहे हैं, जो बॉडी आपको सुना रही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लाइफ में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती कि 21 साल की उम्र में ओबेसिटी हो जाएगी, 30 साल की उम्र में बैक पेन हो जाएगा, 40 साल की उम्र में घुटने में दर्द हो जाएगा, 45 साल की उम्र में डायबिटीज़ और 50 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ऐसा कहीं कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आप इस चैनल पे चल रहे हैं कि आपका माइंडसेट में ये फिक्स्ड है, तो फिर आप अपने चॉइसेस पे ध्यान ही नहीं देते, अपने कर्मों पे ध्यान ही नहीं देते। सुबह उठ के क्या खाना है ये चॉइस आपकी है, हेल्थ को लेके सलाह किससे लेना है ये चॉइस आपकी है, वेट कम करने के लिए अपने खाने में कटौती करना है ये चॉइस आपकी है, क्रेविंग्स पे काम करना है इसके लिए किसी हेल्थ एक्सपर्ट से मिलना है ये चॉइस आपकी है। तो सारा का सारा जो चैनल का सेटिंग है वो आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में है नहीं। लेकिन हम उसके बावजूद क्रिप कर रहे होते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि मेरा वेट लॉस नहीं होता, मेरा हेल्थ सही नहीं होता। चैनल ही गलत लगा है। जैसे ही चैनल को सही कर लेंगे, जैसे ही नए फ्रिक्वेंसी पे आप ट्रांसफर होंगे, आपका सारा का सारा हेल्थ प्रॉब्लम रिवर्स होने लगेगा। बृहद आरण्यक उपनिषद में लिखा है, यद भावम तद भवती, जैसा भाव वैसी रियलिटी। भाव मतलब इंटेंशन, यानी कि अगर आपको अपना इंटेंशन नहीं पता तो अपनी रियलिटी चेक कर लीजिए, अपना हेल्थ चेक करिए, वैसा ही इंटेंशन है आपका। तो अगर रियलिटी में चेंज लाना है तो इंटेंशन, अपने थॉट, अपने बिलीफ सिस्टम में चेंज लाना ही पड़ेगा।
बिना उसके नहीं होगा। हो सकता है ये बात आपको कड़वी लग रही हो, क्योंकि यही सच्चाई। हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन बहुत पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से चला आ रहा है, जो अब लागू नहीं होता। पहले हम 6 बजे 7 बजे सो जाते थे, अब हम रात के 2 बजे सोते हैं। पहले हमारा बाहर का खाना 3 महीने 4 महीने में शायद एक बार होता था, बहुत ही बड़ा कोई ओकेजन हो तो। अब हम हर हफ्ते में 3 बार बाहर जाके खाना खा रहे हैं। तो अगर हम पुराने बिलीफ सिस्टम, पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से चलेंगे तो हमारे हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं आएगा, बल्कि वो और खराब होता जाएगा। तो दोस्तों, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए चॉइसेस में चेंज करना पड़ेगा। चॉइसेस में चेंज करने के लिए अपने थॉट प्रोसेस, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने इंटेंशन में चेंज करना ही पड़ेगा। तो आज के टास्क के लिए तैयार हो जाइए। आज के टास्क के लिए ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, किसी भी पुराने तरीके को क्वेश्चन करिए। लोग बताते हैं हनी लेमन वाटर पीने से फैट लॉस होता है। आपने करके देखा है, उसके बाद भी फैट लॉस नहीं हुआ। और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे तो क्या हनी लेमन वाटर उस डिपॉजिट, उस एक्स्ट्रा कैलोरी को काट देगा? बिल्कुल भी नहीं। ये एक अनसाइंटिफिक बात है। तो किसी भी पुराने तरीकों को, जैसे कोई भी फैटी फूड खा लिया उसके ऊपर नींबू पानी पी लो तो वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आपने करके देखा भी है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो पुरानी है, चली आ रही है सदियों से, रात में खाना मत खाओ, चावल छोड़ दो, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, उसको क्वेश्चन करिए। क्योंकि वेट लॉस तभी होगा जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे। दूसरा, कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए आपको किसी न किसी हेल्थ एक्सपर्ट से मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, आपकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। तो ये मत सोचिए कि किसी से ये पूछने के लिए कि क्या खाना है, उसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम उतने सेंसिटिव नहीं रह गए कि हम ये समझें कि हमारी बॉडी की नीड क्या है। एक हेल्थ एक्सपर्ट आपका ब्लड टेस्ट कराएगा और उस चीज़ के बेसिस पे आपका डाइट बनाएगा और कुछ सप्लीमेंट आपको प्रोवाइड करेगा जो कि आज की नीड है। ठीक है, YouTube या फिर किसी Instagram पे इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर लेने से आपका हेल्थ बेटर नहीं होगा, बल्कि वो और वर्स होता चला जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये एक्सपीरियंस भी किया ही होगा। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट, मेंटल हेल्थ एक रियलिटी है, क्रेविंग्स एक रियलिटी है, और क्रेविंग जो है वो नॉर्मल नहीं है। क्रेविंग का मतलब, घर बैठे वेट लॉस करो सीरीज के कई पार्ट्स में डिस्कस कर चुका हूँ कि क्रेविंग का मतलब स्ट्रेस से है। अगर आप मेरा ये वाला वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पुराने सारे वीडियो जो इस सीरीज के हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, ज़रूर देखिएगा। और उसमें मेंशन जो टास्क हैं उनको भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि टास्क करेंगे, एफर्ट लेंगे तभी कुछ फ़ायदा मिलेगा। अगर एफर्ट नहीं करेंगे तो बैठे बैठे और सिर्फ मेरे वीडियोज़ को सुन लेने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सो दोस्तों, पुरानी हर वो चीज़ जो सालों से चली आ रही है उसको क्वेश्चन करिए और मेंटल हेल्थ को सीरियसली लीजिए। अगर आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब है, ओबेसिटी ज़्यादा है या कोई डिसऑर्डर है, तो किसी ना किसी हेल्थ एक्सपर्ट से ज़रूर मिलिए। दोस्तों, ये लाइफ जैसी भी है, हमारी खुद की बनाई हुई, सिर्फ और सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी करेंट रियलिटी के लिए। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, ना एनवायरनमेंट, ना बाहर मिलावटी खाना। सिर्फ और सिर्फ आप और हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें सब मालूम होते हुए भी हम अपना चैनल चेंज नहीं कर रहे। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और एक नए टास्क के साथ। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा उसका।